नमस्कार, एलएनबी टीवी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने में कुछ ही माह शेष बचे हुए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने पूर्व से ही इसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी थीं। पिछले कई महीनों से विधानसभा के चुनाव को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के लिए लगातार बैठकें और कार्य चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए जहां वीवीपैट का इस्तेमाल होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सी विलिश ऐप का भी इसमें प्रयोग किया जाएगा। यह वह ऐप है जिसके माध्यम से आम नागरिक भी आचार संहिता उल्लंघन के लिए अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस ऐप के द्वारा जो शिकायत प्राप्त होगी उसमें मात्र 100 मिनट के अंदर उसका निराकरण करना अधिकारियों को अनिवार्य होगा। लगातार निर्वाचन को पारदर्शिता बनाने के लिए प्रयास चल रहे हैं और इसी विषय को लेकर दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सभा कक्ष में कलेक्टर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जे विजय कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक अधिकारियों की संपन्न हुई, जिसमें जहां सी विलिश ऐप के बारे में बतलाया गया, तो वहीं दूसरी ओर आगामी विधानसभा चुनाव में किस प्रकार की तैयारियां करके हुए निर्विघ्न रूप से उसको संपन्न कराया जाना है, इस विषय पर भी चर्चा हुई। आइए देखते हैं एलएनवी टीवी की यह वीडियो वाला हो गया, इसको भी आदमी नाम मोबाइल नंबर सबको उपलब्ध करेंगे। पूरी टीम एक साथ मूव करना चाहिए, ठीक है? कोई भी आदमी इसमें छूटना नहीं चाहिए। और आप लोग पहुंचने के बाद आपकी सर पुलिस नहीं, ये पूरा कंप्लेंट है। मैं अभी से इस कारण से बोल रहा हूँ, इसके ध्यान में रखकर आप लोगों को काम करना चाहिए, ठीक है? निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी अपनी निर्वाचन व्ययों के लिए निर्वाचन व्यय पुस्तिका तो संधारित करता ही है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ये निर्देश है कि हर अभ्यर्थी का एक छाया प्रेक्षण रजिस्टर, शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर भी रखा जाए। छाया प्रेक्षण होने के कारण से दो दो लेखाधिकारी और दो दो क्लर्क रखे गए प्रत्येक विधानसभा के। अकाउंटिंग टीम एईओ के पर्यवेक्षण में शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर रखी। आप सभी को मैं बता दूं कि निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी अपनी निर्वाचन व्ययों के लिए निर्वाचन व्यय पुस्तिका तो संधारित करता ही है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ये निर्देश है कि हर अभ्यर्थी का एक छाया प्रेक्षण रजिस्टर, शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर भी रखा जाए। छाया प्रेक्षण एक बार हम लोग मीटिंग करने के बाद एक हफ्ते समय दीजिए, जिससे आपकी लेवल में सब लोगों को बुलाकर एक बार उपस्थित हो जाए और मीटिंग भी एक बार रिफ्रेश करना चाहिए। ये सभी आर ओ को मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेक्टर ऑफिसर्स को भी वही बताया, आर ओ लेवल में फिर से आप एक बार मीटिंग बुलाइए, ठीक है? अभी सही समय है, इस हफ्ते सैटरडे संडे और मंडे जो भी समय आपका एग्जाम होने के बाद बुलाइए, फिर से आपका आर ओ लेवल में मीटिंग बनाई चाहिए, ठीक है? सहायक एक्सपेंडिचर टीम, इन लोगों का काम सिर्फ आप इसमें बैठकर आप लोग कितना प्रूफ दे रहा है वो पूरा एस्टिमेट करने का, तो इन लोगों का अंक और काम आप ही है, अंक और काम आप ही है। कितना भी आप लोगों को वीडियोग्राफर कहां जरूरत है उस जगह को वीडियोग्राफी करना चाहिए, कोई भी आने जाने के रास्ता वीडियोग्राफी मत कीजिए। आप लोगों को सब पढ़े लिखने लोग हैं, पहले भी आप लोगों ने इलेक्शन में काम किया, आप लोगों को मालूम है कौन सा जगह है वीडियोग्राफी कंटिन्यूस कितना समय लेना चाहिए, ठीक है? मास्टर ट्रेनर ने बताया हम सब इसका आंक है, कान है और सभी अंग है, इसमें हर टीम का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और सभी टीम अच्छा कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए
और आपका विधानसभा लेवल में आरओ को इसको संपूर्ण कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। इसके आपके आरओ लेवल में आपकी कंट्रोल रूम बहुत सक्रिय होना चाहिए, आपका वीडियो मॉनिटरिंग टीम और आपका लेकर टीम सब मजबूत होना चाहिए। अभी से आप लोग आरओ लेवल में मीटिंग शुरू कर दीजिए। वीडियो सर्विलेंस टीम और एफएस प्लेइंग स्क्वाड स्टैटिक सर्विलेंस टीम, इन लोगों को महत्वपूर्ण काम है। अभी आप लोगों को अभी बीच में पता है सी विजिल ऐप भी लागू होने वाला है। इसमें हम कोई भी कंप्लेंट दर्ज होने के बाद 100 मिनट में इसमें निराकरण करना ही चाहिए, नहीं करना मतलब इसका संपूर्ण एक्सप्लेनेशन भी देना चाहिए। सो पिछले बार आप लोगों को कोई भी कंप्लेंट आने के बाद पहुँचने के भी समय लगता है, अभी इस बार नहीं, इतना आप लोगों फास्ट होना चाहिए, आपका टीम मेंबर्स पूरा होना चाहिए। पिछला चुनाव में मैं देखा आप लोग पहुंच गए, आपको कैमरा मैन नहीं था, इधर नहीं कोई दूसरे सेम सिचुएशन हो सकता है। आप लोग कोई भी 11 बजे कंप्लेंट आएगा बट वीडियो खींचने वाला आदमी नहीं होने वाला है। तो आपको वाहनों को भी रिकॉर्ड करना है, एटलीस्ट उसकी नंबर प्लेट को आपको कर लेना है, और जो उसको अनुमति प्राप्त होती है उसका अनुमति पत्र उस कार में या जीप में लगा हुआ है तो उसकी भी आपको वीडियोग्राफी कर लेना है, ठीक है? क्योंकि निर्वाचन व्यय के लेखाकरण के उद्देश्य से ये सभी चीजें आवश्यक है। कितनी मोटरसाइकिलें खड़ी है, उन मोटरसाइकिलों पे झंडे लगे हैं अथवा नहीं लगे हैं, इस प्रकार से ये सभी चीजों की जब आप वीडियोग्राफी कराएंगे तभी सही मायने में हम। ताजातरीन समाचारों के लिए देखते रहिए LNB TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।